नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गंगेश मिश्रा। आप पढ़ रहे हैं इस समय हिस्ट्री, और अभी तक जो वीडियो अपलोड हुए और जिन पे आप लोगों ने देखा भी जो हमारे लेक्चर रहे, वो अभी हड़प्पा की शुरुआत हम कर चुके हैं, हड़प्पा संस्कृति की। आज उसके जो पुराने फैक्टर थे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, वो तो डिस्कस हो चुके हैं। आज जो उसके बारे में चर्चा होगी, वो सीधे उसके नगरों के बारे में चर्चा होगी। प्रेजेंट में हम हड़प्पा नगर को लेकर चलेंगे कि आज हड़प्पा में क्या मिला और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसको संस्कृति के बारे में विशिष्ट बनाती हैं, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसकी बड़ी एक लंबी सी कहानी है हड़प्पा की। हुआ ये था, ये थोड़ा सा मैप पे हम इसकी वो देख लेते हैं, स्थिति क्या है, कहाँ से है ये। सॉरी, ये जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, इसमें पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिला में, मॉन्टगोमरी जिले में इसकी अवस्थिति देखी गई है। आज इसको मॉन्टगोमरी को साहिवाल बताया जाता है, साहिवाल आधुनिक नाम इसका है। ये तो है इसकी स्थिति। पंजाब में कई सारे प्रांत हैं, जैसे अपने भारत में 28-29 हैं, ऐसे ही पंजाब में भी हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत। तो पंजाब प्रांत की बात करें, मॉन्टगोमरी जिला या साहिवाल आधुनिक, उस जिले में हड़प्पा की अवस्थिति देखी गई है। लेकिन जब ये मिला था, उस समय की एक छोटी सी कहानी जिसको जोड़ना यहाँ पर उचित होगा। असल में जो ASI की स्टार्टिंग हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस ASI का गठन 1904 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई, उसको आप इससे ना जोड़ें। जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका काम होता है कि विविध पहलुओं पर ध्यान दिया जाए, खास करके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से, जो कि पुरानी इमारतें या कुछ भी हो सकता है। तो ASI के जो हेड थे 1904 के बाद, वो थे आपके जॉन मार्शल। और इन्हीं के अंडर में दयाराम साहनी, जो भारतीय हैं, दयाराम साहनी, इनका काफ़ी प्रयास रहा इसकी खुदाई में, जिन्होंने 1921 में इसकी खुदाई की, और उसके बाद इस पूरी की पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। लेकिन इससे थोड़ा सा पीछे हम अगर जाएं, तो 1826 की एक कहानी है। एक बंदा है चार्ल्स मैसन, अंग्रेज अधिकारी है, ये वहीं उसी क्षेत्र में घूम रहा था। तो इसको लगा कि यहाँ भी कुछ ठिकरे वगैरह हैं जिसमें कुछ शायद पाया जाता है, लेकिन उसको एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी सभ्यता यहाँ पे दफन है। तो चार्ल्स मैसन ने जब उबड़ खाबड़ स्थानों को देखा, तो बड़ा हतप्रभ रहा, एकदम आश्चर्यचकित हुआ, यार ये कौन सी चीज़ है। तो आके अपने आला अधिकारियों से इसके बारे में चर्चा करता है कि वहाँ पे अगर देखा जाए, खुदाई किया जाए, तो शायद कुछ मिल सकता है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ASI वगैरह उस समय नहीं था, बस ये था कि इतिहास के बारे में वो लोग खोजबीन कर रहे थे, लेकिन हर बार उस इतिहास में अपने इतिहास को सर्वोपरि दिखाते रहते थे। तो जब ये बात चार्ल्स मैसन ने आके बताई, तो उसके जो अन्य सीनियर अधिकारी वगैरह थे, उन लोगों ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। वो बोला कि यार, तुम भारत में रहते हो, जैसे भारतवासी पागल हो, वैसे तुम भी पागल हो क्या? वहाँ पे क्या है, वीरान जंगल और वो मरुस्थल टाइप का है, वहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये डांट दिया गया, बात वहीं पे दफन हो गई। फिर 30 साल बाद 1856 में ब्रंटन बंधुओं को एक ठेका मिला, कि रेलवे लाइन बिछानी है कराची से आगे तक की। अब उस लाइन को बिछाते समय जो उसका ट्रैक था या रूट था, उस रूट में हड़प्पा भी पड़ रहा था। तो विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन दोनों जो ठेकेदार हुआ करते थे उस समय के, वो उस पे काम पे लग गए। कहानी ये हुई कि उस समय जब ये काम चल रहा था,
तो थोड़े रोड़े वगैरह कम पड़ गए। आप लोगों को शायद याद होगा जो रेलवे स्लीपर होते हैं, रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे इस ट्रैक पे बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं छोटे छोटे। तो जब उन रोड़ों की कमी आई तो इन ब्रंटन बंधुओं ने बगल में स्थित यही हड़प्पा वाली जगह से ईंटें निकाल कर उसके तोड़ कर उन ईंटों के टुकड़े बनाकर वहाँ पर बिछवा दिया, ठीक है। उसके बाद में जब ये काम हो ही रहा था तो इनके ठेकेदारों को सुपरविजन करने के लिए जब इनका अधिकारी आया तो उसने कहा ये क्या डाल दियो। तो इन लोगों ने बताया कि भाई पत्थर कम थे, हमने ईंट को लगा दिया तोड़ ताड़ के। तो बोले कहाँ से उठाए हो? तो उन्होंने बताया कि यहाँ से हम उठाए हैं। तो कहे दो चार ईंटें थी और भी? कहे नहीं, खुदाई की ज़्यादा मिल रही थी। कहे अच्छा। तो ये बात आगे जब बढ़ी, उन लोगों ने जाके अपने हाई कमान को पहुंचाया कि हाँ ये सूचना वहाँ से मिल रही है। तो उन लोगों ने जाके देखा कि यार वाकई कुछ है वहाँ पे। फिर कहानी ये वाली शुरू होती है, क्योंकि एएसआई भी 1904 तक बन चुका था। तो जॉन मार्शल को लगाया गया कि जाके वहाँ पे पता करो क्या है। तो जॉन मार्शल ने अपने अंडर में दयाराम साहनी के द्वारा वहाँ पे खुदाई करवाया। खुदाई करने के दौरान ये पूरी की पूरी सभ्यता सामने निकल के आ गई, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा मोटा कोई मतलब स्थान नहीं था और ना ही वहाँ पे दो चार ईंटें थी, बड़ी सी बस्ती थी जो खुदाई पर निकलती ही चली जा रही थी। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो उस समय खुदाई होती थी, उस समय हो चाहे आज के ज़माने में हो, जो पुरातत्वविद खुदाई करते हैं वो खुदाई फावड़े से नहीं होती, ठीक है। वो खुदाई बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे औजारों से होती, ऐसे उंगलियों से खोदते रहते हैं, सुई से होती है उसकी खुदाई। खुरपी उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, इससे बड़े हथियार वहाँ पे खुदाई में प्रयोग नहीं किए जाते। उसके पीछे कारण क्या है कि भाई 10,000 साल पीछे की जो चीज़ें हैं मिट्टी में दफन हैं, अगर बड़े औजारों से खुदाई की गई और ज़रा सा भी लापरवाही हुई तो वो टूट जाएंगे। और उनके टूटने का अर्थ है कि वो 10,000 साल पुरानी सभ्यता पूरी पूरी वहीं पे चौक, उसकी कहानी फिर वहाँ से दोबारा नहीं निकलेगी। मैं एक घटना के बारे में चर्चा करूँगा। एक देश में ऐसे खुदाई चल रही थी तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा एक छोटी सी सोने की गुंडी टाइप की मतलब संरचना उनको दिखाई दी। तो उन लोगों ने जाके हल्की सी खुदाई बगल में करके उसको जैसे बाहर निकालने की कोशिश किए तो उनके हाथ में आ गई और वहाँ पे एक छोटा सा सुराग उनको दिखाई दिया। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उस जगह को खोदना बंद कर दिया और साथ ही साथ जाके बगल से प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल ले आए, POP का, जो आजकल दीवालों में लगाया जाता है। वो POP का घोल लेके आए और उस सुराख में उन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो जितना बड़े आराम से उसमें मैक्सिमम आ सकता था उतना उन्होंने उसके अंदर भर दिया। भरने के बाद वो वहीं पे खुदाई बंद कर दिए, दो दिन तक वेट किए। दो दिन में वो POP एकदम मजबूत हो गया, हार्ड हो गया। फिर खुदाई किए तब अंदर से एक वीणा निकल के आई। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जो उसको सोने की वो गुंडी मिली थी वो कुछ खास और नहीं थी, वो वही उसी बीड़ा में लगी हुई थी जिससे उसके तार यहाँ पे जुड़े रहे होंगे, ठीक है। अब वो इतनी पुरानी रही होगी कि उसकी मिट्टी की बीड़ा तो पूरी पूरी सड़ गई, वहाँ पे केवल सुराग बचा और उस मेटल के तौर पे उनको सोना मिला, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो खुदाई करने वाले होते हैं पुरातत्वविद, बड़ी ही शालीनता के साथ, बड़े ही मतलब कह सकते हो शांति के साथ वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं और धैर्य के साथ उसकी खुदाई करते हैं। तो इसलिए जो हड़प्पा सभ्यता आज भी खोदी जा रही है, राखीगढ़ी क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो आज भी खुदाई में कुछ नए आयाम जोड़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जल्दबाजी नहीं की जा सकती और ना ही ये बताया जा सकता है कि इतनी ही बड़ी सभ्यता है। जब जल्दबाजी नहीं हो रही है, लगातार खुदाई चल रही है, तो इसका मतलब है सभ्यता कहाँ तक चली जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। हम लोग हड़प्पा के बारे में चूँकि बात कर रहे हैं तो हड़प्पा के अन्य पहलुओं पर भी बात करते हैं। पहली बात, पूरी सभ्यता में जो भी नगर वगैरह मिले हैं वो सारे के सारे लगभग दो टीलों में विभाजित मिले हैं, ठीक है। वही ज्योग्राफी वाली स्टाइल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो पश्चिमी वाला टीला है, कल भी मैंने बताया था, ये अपेक्षाकृत छोटा होता है और साथ ही साथ में दुर्गीकृत रहता था। ये वाला जो क्षेत्र था ये दुर्गीकृत नहीं रहता था और अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा रहता था, ठीक है।
यहाँ से मैंने ये भी बात कर ली थी कि यहाँ पे संभ्रांत व्यक्तियों के लगभग आवास हुआ करते थे, यहाँ पे लोकल जनवासियों के आवास हुआ करते थे। इस हड़प्पा की बात करें तो इस पश्चिमी टीले से कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे अन्नागार मिला है जो कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता ना कहें, इस हड़प्पा स्थल में कहें, अन्नागार सबसे बड़ी बिल्डिंग है इसकी, ठीक है। अन्न कोठार भी इसको कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, इसका नाम अन्न कोठार। तो अन्न कोठार या अन्नागार जो है उसमें दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं और इन कमरों के जो दरवाजे हैं वो दरवाजे किस तरफ खुल रहे हैं, नदी की तरफ खुल रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो अन्नागार थे वो वहाँ से जो सामान लाया जाता था नदियों के द्वारा डायरेक्ट उनके अंदर एंट्री करा दिया जाता था और वहाँ पे सुरक्षित रख दिया जाता था, ठीक है। दूसरी चीज, नदी शायद अभी मैंने चर्चा नहीं की, नदी यहाँ पे कौन सी है, रावी नदी। और कई बार ये भी पूछ लिया है कि रावी नदी के कौन से तट पे, तो रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा स्थल स्थित है। बायां दायां तट क्या होता है, जैसे कोई नदी है मान लीजिए इस तरफ जा रही है, तो ये जो जाने का प्रक्रम है आप अगर इसके ट्रैक पे खड़े होकर देखेंगे तो इसका लेफ्ट इधर पड़ेगा, राइट इधर पड़ेगा। तो इस तरीके से रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा स्थल है जहाँ से अन्नागार और अन्न कोठार जैसी संरचना देखने को मिलती है। साथ ही साथ वहाँ से कुछ चबूतरे मिले हैं। इन चबूतरों के बारे में बताया जाता है कि शायद वो ऐसे चबूतरे रहते थे जिनका काम वहाँ पे अनाज कूटने या पीसने के लिए किया जाता था। तो अगर इन चबूतरों का प्रयोग अनाज को कूटने पीसने के लिए किया जाता था तो इसका मतलब है इसी चबूतरों के ही नज़दीक कहीं श्रमिक आवास भी होंगे। और श्रमिक आवास की अगर बात की गई है तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ये चबूतरे किस स्थल से मिले होंगे, पूर्वी टीले से मिले होंगे, क्योंकि श्रमिकों का आवास या लोकल लोगों का आवास कहाँ मिल रहा है आपको, पूर्वी टीले पे मिल रहा है, ठीक है। अन्नागार या अन्न कोठार कहाँ से मिल रहा है, पश्चिमी टीले से। इसके पीछे कारण यह है कि ये अधिशेष है या एक टैक्स के रूप में इकट्ठा किया गया अन्न है, और जब टैक्स इकट्ठा किया जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रशासकीय किसी व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा। अब उस समय राजनीतिक जीवन जो था उसमें प्रशासन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में पूरी तरीके से आइडिया अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन जो भी रही होगी उन संभ्रांत व्यक्तियों के अंडर में ही रही होगी। और जब अधिशेष की बात की जा रही, टैक्सेशन की बात की जा रही, तो टैक्सेशन का पूरा कलेक्शन भी उन्हीं के पास होगा, वो इस लोकल वाले क्षेत्र में कभी भी इसका कलेक्शन नहीं रखेंगे, समझ में आया। दूसरी चीज़ देखी जाती है यहाँ से और क्या चीज़ें मिली हैं, ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो आपके सामने आई। यहाँ से एक तांबे की नर्तकी मिली है, तांबे की नर्तकी मिली है। यहाँ से कुछ ऐसे खिलौने मिले हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वो शायद उस जमाने की कृषि या उस जमाने के वाणिज्य वगैरह से संबंधित रहे होंगे। एक मोहर मिली है जिसपे गरुण का अंकन है। यहाँ पे काम की चीज गरुण का अंकन नहीं बल्कि काम की चीज मोहर है। मोहरें उस समय क्यों बनाई जाती रही होंगी और इनका प्रयोग किस आधार पे या किस रूप में किया जाता रहा होगा, क्या ये मोहरें उस समय के सिक्के या रुपये के रूप में काम होते थे, नहीं। ये जो मोहरें हुआ करते थे, क्योंकि देखो रुपये या सिक्कों के रूप में इसलिए इनका यूज नहीं होता था क्योंकि उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, एक वस्तु देना है दूसरी वस्तु लेना है, तो जब ऐसी व्यवस्था होती तो वहाँ पे रुपये सिक्के इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मोहर पाई गई तो उसका कारण यह था कि जो इनका व्यापार होता था इस क्षेत्र से संबंधित दूसरे क्षेत्रों तक ये जाते थे तो ये अपनी मोहर वहाँ पे दिखाते थे, वो एज ए पास का काम करता था कि हाँ हमने मोहर दिखा दिया इसका मतलब हम कहाँ के हैं, हड़प्पा के हैं, और हमारा जो व्यापार हो रहा है जहाँ तक होगा वहाँ तक इस पूरी गाड़ी को कहीं कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो वो व्यापार के लिए पास के रूप में किसका यूज कर रहे थे, मोहर का यूज कर रहे थे। इसीलिए इनके व्यापार के बारे में
इनकी मोहरों से ही पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे, अफगानिस्तान से भी, अन्य जगहों से व्यापार करते थे। साथ में क्या है, यहाँ पे आपको तांबा तो मैंने बता दिया, सोने की भी एक आकृति प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब है ये सोने से भी थोड़ा बहुत परिचित थे। तो जो हड़प्पाई सभ्यता में आप दर्शन देखेंगे या उन लोगों के बारे में देखेंगे, सोना, चांदी, तांबा, टिन, चूंकि कांस्य सभ्यता है, टिन तो अपने आप आ गया, कांसा, इन सारी चीज़ों से ये लोग परिचित थे। अब कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, इनकी कहानी क्या थी। कांसा चूंकि सबको पता है कि ये तांबा और टिन से मिलकर बना है, ठीक है, तांबा और टिन से मिलकर बना है, तो इसमें कितना परसेंटेज किसका होता है। देखो मोस्टली होता क्या है, जो नॉर्मली बनता है कांसा उसमें 70-30 का रेशियो होता है, 70% तांबा, 30% टिन। लेकिन बात यह थी कि जो उस समय की ये सभ्यता है, उस सभ्यता में देखा गया कि ये लोग टिन अपने पास पाते नहीं थे, मतलब इनके पास टिन जो था वो भारत का नहीं था, इनको आयात करना पड़ता था। अब ये टिन अगर दूसरे देश से मंगवा रहे हैं, दूसरे देश से अगर टिन मंगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनको पे करना पड़ेगा, कुछ भी वस्तु विनिमय प्रणाली कोई दूसरी चीज़ देंगे। अब इनको अगर टिन के ऊपर अपना खुद का भुगतान करना पड़ रहा है, तो ये इस बात के लिए हमेशा अवेयर रहते थे कि कांसा ऐसा बनाया जाए कि वो कांसा खराब ना हो और साथ ही साथ टिन की इकोनॉमी बनी रहे, मतलब कम से कम टिन प्रयोग किया जाए। तो इनके जो रेशियो होते थे वो 70-30 ना होकर 80-20 या फिर कहीं कहीं पर 85-15 का भी रेशियो देखने को मिला है, मतलब 80% तांबा, 20% टिन, या फिर 85% तांबा, 15% टिन। और जो तांबा था वो इनको राजस्थान के खेतड़ी जैसे क्षेत्रों से मिल ही जाता था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। साथ ही साथ जो इनको सोने की प्राप्ति होती थी वो आपको कर्नाटक वगैरह से, आपके भारत में कर्नाटक में कोलार और हट्टी जो खान वगैरह हैं उसी क्षेत्र से इनको सोने की प्राप्ति हो जाती थी, ठीक है। और जो टिन की प्राप्ति करते थे ये अफगानिस्तान से मंगवाते थे। इनके लिए बताया गया है कि ये लाजवर्द मणि वगैरह, ये माणिक वगैरह भी रखते थे अपने ऑर्नामेंट के लिए, तो उन लाजवर्द मणियों को कहाँ से मंगवाते थे, बदख्शां से मंगवाते थे, अफगानिस्तान क्षेत्र। तो इस तरीके से इनका व्यापार ऐसे ही चलता रहता था। हड़प्पा से एक नंगी मूर्ति मिली है, एक नंगी मूर्ति मिली है छोटी सी, और इस पर डिबेट कर दिया जैन धर्म वालों ने कि अगर नंगी मूर्ति मिली है तो इसका मतलब ये जैनी लोग थे, अपने धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय जो है जैन धर्म का वो हमेशा क्या रहता है, बिना कपड़ों का रहता है, बिना कपड़ों का है, तो इसका मतलब है ये अपने आप को इससे जोड़ सकते थे। लेकिन इनके तर्क भी सुनिए और आप अपना भी तर्क लगाइए। जैसे इन्होंने बताया कि ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे, आपको याद होगा जब प्रथम जो धार्मिक सुधार आंदोलन है जैन धर्म या बौद्ध धर्म, वो कब चलता है, हड़प्पा के बाद वैदिक, वैदिक के बाद 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे लौहयुगीन सभ्यता में। उस जमाने में जब ये आपका मगध साम्राज्य उत्कर्ष पे था, उस समय बिंबिसार के समकालीन माना गया है बुद्ध को, तो इसका मतलब और बुद्ध के ही साथ उसी टाइम पे ही 20-40 साल पहले या बाद में उसी के नज़दीक ही आपको जैन धर्म भी देखने को मिलेगा। तो क्या ये जैन धर्म आज से यानी कि ये हड़प्पा सभ्यता से कनेक्ट हो सकता है? अब आपके दिमाग में आएगा कि बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, बहुत पुरानी बात है तो ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर याद दिला दूँ, जो जैन धर्म आपको भगवान बुद्ध के समय का आपको दिखाई दे रहा है, उस जैन धर्म के प्रणेता कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी इसका मतलब है वो कौन थे, कौन से नंबर के तीर्थंकर, 24वें में, इसका मतलब उनसे 23 तीर्थंकर और पहले आ चुके थे। अगर हर एक तीर्थंकर एक के बाद आया, यानी कि 23 पीढ़ी पीछे की बात हो रही जैन धर्म की, अगर एवरेज 100 साल ले लिया जाए, क्योंकि 100 साल उस समय कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ज़्यादा भी निकाल देते थे, आज के जैसे जंक फूड वगैरह तो थे नहीं कि 70 साल में जान निकल जाएगी, तो अगर इस तरीके से देखा जाए 24 पीढ़ी पीछे तो ये लगभग पहुंच भी रहा है। अब उन लोगों को जो बता रहे हैं कि नंगी मूर्ति है, इसका मतलब हम जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो अपना तर्क दे रहे हैं
तो कहीं ना कहीं ये बात भी मानने को विवश करती है कि हाँ हो सकता है उस जमाने में ये रहे हों, क्योंकि ये धर्म बहुत पुराना है। लेकिन जो 2400 तीर्थंकर हैं उसमें 2400वें तीर्थंकर और 2300वें को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 22 तीर्थंकर हैं उनके बारे में कहानी जो दी जाती है वो बस कहानी ही है, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो बाकी आप जैसा चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको ना ही पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ये जैन धर्म था उस ज़माने में, ना ही पूरी तरीके से ये भी कहा सकता है कि ये जैन धर्म नहीं था। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में और कौन कौन सी चीज़ें हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है, खास करके केवल हड़प्पा की बात करें अगर, तो वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली हैं जो उनके मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। जैसे वहाँ पे कुछ पांसे की संरचना मिली है, तो अगर पांसा है तो इसका मतलब क्या है, सुरा सुंदरी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, इसका मतलब वो जुआ भी खेलते थे। आज का ताश वगैरह है तो उस समय का पांसा था, 64 बोलते थे, ये सारी चीज़ें चलती थी। तो उनके जो मनोरंजन के साधन हुआ करते कुछ ऐसे ही थे, लेकिन जो उनका वाणिज्यिक क्षेत्र था वो इतना प्रखर था कि वो अपने समय के साथ अपने उन चीज़ों को चलाते रहते थे। यहाँ पे ये भी देखा गया है कि उस जमाने में जो व्यक्ति जिस काम के लिए स्पेशली लगाया जाता था उसके सिवाय वो दूसरा काम नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर विशेषीकृत हो जाता था। मतलब अगर कुम्हार है तो केवल कुम्हार है, और उसको इतना बेहतर ढंग से करता था कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। आप लोगों को याद होगा कि इस जमाने की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो आज के जमाने में भी लगभग मजबूत स्थिति में पाई गई हैं। इसका मतलब है उस समय का आर्किटेक्ट आज के आर्किटेक्ट से बहुत आगे था। वैसे भी हम लोग तुलना करें अगर तो अंग्रेज जमाने की जो बिल्डिंग वगैरह देखने को मिलती हैं वो आज की बिल्डिंग से काफ़ी मजबूत दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है आर्किटेक्ट जो पुराना वाला था वो इतना बुरा नहीं था जितना हम लोग सोच लेते हैं, उनकी साइंस इतनी कमज़ोर नहीं थी। हाँ ये सच है, अगर हड़प्पा सभ्यता का पतन ना हुआ होता तो आज का अमेरिका ब्रिटेन इत्यादि जो भी देश हैं वो सब हमारे गुलाम हुआ करते या फिर हमसे भी नीचे पाए जाते, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता इतनी आगे थी उस जमाने में जितना किसी भी सभ्यता ने विकास नहीं किया था। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि अब इसके बाद मोहनजोदड़ो की शुरुआत करनी है तो वो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसलिए हम इतने पर ही इसको रोकते हैं, फिर बाद में अगला वीडियो आएगा तब देखते हैं। धन्यवाद।